हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक पोजीशन बनाया है। यहाँ पे मैं आपको पोजीशन दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैंने 36,100 की कॉल में मैंने 110 रुपये के अप्रोक्स मैंने इसको बाई करके रखा था। मैंने दो पोजीशन बनाए थे, एक 36,100 में जिसमें मुझे 292 का लॉस देखने के लिए मिला था, और 3600 100 की कॉल में अभी मेरे को 200 के अप्रोक्स प्रॉफिट चल रहा है। मेरे क्या एनालिसिस थी मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे ही इस लेवल को मार्केट ने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे आप देखेंगे कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैनी कैंडल्स इसके अंदर ही ट्रेड कर रहा था, और जैसे ही इसको एक ब्रेकआउट दिया तो मैंने ब्रेकआउट पे इसको बाई कर लिया। और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि 36,100 की कॉल जो है इसके अंदर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही एक ब्रेकआउट आया तो इसमें एक पुल बैक देखने के लिए मिला है। और इसको होल्ड करके रखेंगे, हमारा यहाँ पर टारगेट रहेगा 36,200 का अप्रोक्स टारगेट रहेगा। अभी 36,134 या 35 पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है और 337 के प्रॉफिट में हम लोग इनरोल हो चुके हैं। जो मेरा लॉस था वो भी रिकवर हो चुका है। तो अभी तक हम लोग पोजीशन को होल्ड कर 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 रखे हैं, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी अगर इस ब्रेकआउट सही निकला तो इसमें आज एक अपसाइड की मोमेंटम आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इसलिए मैं इसको आज होल्ड करके रखने वाला हूँ। फिर मैं आपको जैसे ही प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो मैं आप लोगों को अप टू डेट करता हूँ। टुडे इज एक्सपायरी डे। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्री बैंक निफ्टी इंडेक्स में मूवमेंट हो रही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन का जो प्रीमियम है बहुत तेज़ी से घट रहा है और बहुत स्लो बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि 5 पॉइंट का मूवमेंट हो रहा है, तो इसमें आपको ऑप्शन के प्रीमियम में 10 से 15 पॉइंट का मूवमेंट हो जा रहा है। लेकिन जब मार्केट ऊपर की ओर निकल रहा है तो इसमें कोई मोमेंटम नहीं हो रहा है, 2 या 3 रुपया ही बढ़ रहा है। तो आज इसमें प्रॉफिट लेने के लिए कम से कम ये जब तक एक बड़ा मूव नहीं देगा बैंक निफ्टी, तब तक इसमें एक अच्छा प्रॉफिट में इनरोल नहीं होंगे। अभी आप देखेंगे कि 200 के अप्रोक्सी प्रॉफिट में चल रहे हैं। कि रीज़न क्या है कि ये तो बैंक निफ्टी इंडेक्स का प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन प्रीमियम में कोई ज़्यादा बढ़त नहीं हो रही है, जिसके वजह से प्राइस वहीं पर स्टेबल किया हुआ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी में एक अपसाइड की मोमेंटम आना चालू हो चुका है। यहाँ पे HDFC सेक्टर भी चलना चालू हो गए हैं, सारे बैंक एक अपसाइड की मोमेंटम करना चालू हो गए हैं। और यहाँ पे ये 145 का हाई भी लगाया है। आप ऑप्शन में देखेंगे तो मेरे को अभी प्रॉफिट 900 के अप्रोक्स प्रॉफिट भी चल रहा है। टोटल मतलब कार्ड छाट कर करके 600 के प्रॉफिट में है। वेट करते हैं, क्योंकि अपना टारगेट आया नहीं है, क्योंकि अब मोमेंटम होना चालू हुआ है। तो एक इसमें अपसाइड की मोमेंटम देखने के लिए बैंक निफ्टी में मिल सकता है, जो कि अभी आप देख सकते हैं कि 500 के अप्रोक्स प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉस रिकवर कर कर करके वेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो टारगेट था मार्केट ने हिट कर चुका है और इसको ब्रेक कर दिया है। अब ब्रेक कर करके प्राइस इसके ऊपर सस्टेन हो चुका है, और यहाँ पे हम लोग का प्रॉफिट भी देखेंगे तो 1000 के अप्रोक्स प्रॉफिट में मैं कन्वर्ट हो चुका हूँ। लेकिन मैं अभी मार्केट को और होल्ड करके रखूँगा, क्योंकि अप साइड की मोमेंटम और होने की संभावना है आज बैंक निफ्टी में। तो वेट करते हैं, और जैसे ही प्रॉफिट का और इंक्रीज होता है मैं आपको अप टू डेट करता हूँ। 40 तक होल्ड करने वाला हूँ, 36,240। अभी ये ट्रेडिंग कर रहा है, हाई बना के आया है, 213 का हाई बनाया है। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा HDFC सेक्टर थोड़ा सा कुछ मूव और निकाल देगा ना, तो इसमें एक अच्छी मोमेंटम और देखने के लिए मिल सकती है। HDFC में डिपेंडेंट है कि इसमें एक अच्छा मोमेंट आता है तो बैंक निफ्टी को एक ये ऊपर ले करके जा सकता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट अभी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, लेकिन अभी स्टिल आई एम होल्ड माई पोजिशन फॉर टारगेट। अचीव हो गया है मेरा टारगेट, तो मैं अब चाहूँगा कि मैं यहाँ से प्रॉफिट को बुक कर लूँ। तो मैं चलता हूँ पहले ऑर्डर में। ऑर्डर में मैंने यहाँ पे 170 रुपये का, मैंने यहाँ पे सिर्फ 70 का SL लगाया था, 40 पॉइंट का SL था, और मैं इसको मार्केट में ले जा कर 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 करके थोड़ा सा और अच्छी मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। इसमें 1500 के प्लस ही मैं प्रॉफिट बुक करूँगा। तो वेट कर रहा हूँ कि कब 1500 को क्रॉस करे, और 1500 को क्रॉस करने के बाद मैं यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लूँगा। सो आई एम वेटिंग फॉर क्रॉसिंग माई लेवल ऑफ 1500। जल्दी क्रॉस हो जा भाई, जल्दी हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा। वेट कर रहे हैं लेवल क्रॉस होता है कि नहीं।
और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए आप लोग, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया होगा, उसको जाकर करके ज्वाइन जरूर कर ले, क्योंकि वहाँ से आप लोगों को इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मिलता है सीखने के लिए। तो वहाँ पर मैं चार्ट्स हमेशा अप टू डेट करते रहता हूँ, चार्ट्स पैटर्न, जैसे आज मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट्स को अप टू डेट किया था, बाइंग के लेवल को भी अप टू डेट किया था कि यहाँ पे बाई करना है। और आज जहाँ पे आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने एक हाई लगा के आया है 172, तो मैं भी ये अपना टेलीग्राम पे इसको अप टू डेट कर देता हूँ कि 172 का यहाँ पे हाई लगाया है बैंक निफ्टी ने। तो इन सब सारे चीज़ों को कॉल्स भी प्रोवाइड कभी कभी बढ़िया सेटअप मिलने के बाद दे देते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्रॉस कर 15 था। चल मेरे भाई चल। चलिए, मैंने 1590 का प्रॉफिट बुक कर लिया है, अप्रॉक्स टोटल 1297 का लॉस काट कर करके मेरे को प्रॉफिट हुआ है। तो मैं यहाँ पे इसको दिखाना चाहूँगा। तो मैंने यहाँ पे 109 रुपये पे बाई किया था, 173 रुपये सेल कर दिया है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी 172 या 173 पे ही ट्रेडिंग कर रहा है। बट इट्स ओके, माय टारगेट मेरा भी अचीव हो चुका है। आप यहाँ पे देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने हाई 247 का हाई लगाया है, तो मेरा टारगेट भी अचीव हो गया, क्योंकि आज एक्सपायरी डे है। एक्सपायरी डे के दिन होता क्या है कि मोमेंटम वन वे तुरंत होता है और फिर तुरंत डिक्रीज भी प्रीमियम होता है। सो आज के लिए बहुत